बीजेपी के कार्यकाल में शुरू की गई जन स्वावलंबन अभियान को मौजूदा सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि संकीर्ण मानसिकता के चलते सरकार ने जन स्वावलंबन योजना को बंद कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जिस अभियान को साउथ अफ्रीका ने मॉडल बनाकर अपने देश में लागू करने का काम किया, सार्क देशों ने इसकी तारीफ की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डालकर संकीर्ण मानसिकता दिखाई है। प्रदेश भाजपा महामंत्री विरमदीप सिंह ने कहा कि योजना से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई थी और एक ओर केंद्र सरकार जल शक्ति मंत्रालय बनाकर पानी की समस्या को खत्म करने का काम कर रही है। मैंने पहले कहा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, पर सरकार सरकार रहती है, चाहे कोई सरकार हो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जिसकी सार्क देशों ने जिसकी प्रशंसा की थी, साउथ अफ्रीका ने जिसे मॉडल मानकर अपने देश में लागू किया, उसको लागू नहीं करना, उसको बंद करना, यह संकीर्ण राजनीति का दृष्टिकोण है जो हमेशा अशोक जी गहलोत के पास रहता है। और उसको बंद करके उन्होंने एक दूरदृष्टि का परिचय दिया है। राजस्थान में पानी का संकट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जन चेतना का कारक बन गया था और उसके कारण से वाटर लेवल ऊंचा होना प्रारंभ हो गया था। यह बड़ा दुखदायी बात है। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा जी ने ये जल स्वावलंबन अभियान चलाया था और उसका परिणाम भी बहुत अच्छे आए थे राजस्थान में। उससे कई खंड जो डार्क जोन में थे वो उसमें से निकले और पानी जल लेवल ऊपर आया, वाटर लेवल ऊपर आया, तो उसके परिणाम अच्छे आए और जनता को उसकी राहत मिली। परंतु कांग्रेस का सोच क्या पता क्या है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम, जैसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था भामाशाह योजना, उसको बंद किया, और केंद्र का जो हमारा आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम है उसको वो लागू नहीं कर रहे। किसानों को किसान निधि कांग्रेस ने लिस्ट में भेजने के चक्कर में, इनको यश नहीं मिले, इस चक्कर में लिस्ट नहीं।